खान की जो फिल्म थी ना लगान, जिसने मुझे तो आमिर खान से मुखातिब कर दिया कि वो पट्टी बांध के फिरता, उसमें उसका एक बड़ा प्यारा दोस्त होता है, उसका नाम होता है कचरा। ये देखो रुक तेरे को बता दे, कचरा नहीं होता वे, कचरा होता लगान में। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हेड में आप लोग लगान कचरा होगा, यहाँ पे ये लाइव कचरा देखेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम करते हैं आपका एक और बेहतरीन से नए व्लॉग के अंदर। और आज ईद का है दूसरा दिन। वेल, टाइम को वेस्ट नहीं करते, बात को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। और आज हम करने जा रहे हैं बारबेक्यू पार्टी विद माय फ्रेंड्स। तो ये गोश्त वगैरह जो है वो रेडी पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा और अभी कलेक्शन चल रही है भाई, अभी और दोस्त के जा रहे हैं, वहां से गोश्त पकड़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद अम्मा को मैंने कह दिया मसाला अम्मा लगा देंगे अच्छा सा करके, लगा देंगी भाई। गोश्त साफ भी करना है, पीसेस भी करने हैं उसके, ज्यादा फ्री तो नहीं हो गया मैं। अच्छा चलो सही है, तो गोश्त वोश तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे अच्छा सा बेहतरीन सा, और फिर शाम में बारबेक्यू पार्टी करेंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अभी मेरा दोस्त असद बाहर वेट कर रहा है, बाहर चलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद एक और दोस्त के यहाँ जाते हैं और सब कुछ तुम्हें दिखाते हैं। तो भाई बहुत सारा लव शो करो ताकि मुझे मजा आए व्लॉग्स का। अभी बहुत 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 बड़ा आगे पूरा सफर पड़ा है, अभी बहुत कुछ तय करना है मंजिलों तक पहुंचने के लिए, ये इतना लंबा सफर तय करना है। देखो अकेला तो मैं भाग रहा हूँ, मेरे साथ मिल जाओ ना यार, मुझे भी भागने में आसानी होगी, तुम लोगों को भी आसानी हो जाएगी। तो मैं जरा अभी के लिए भागता हूँ और फिर मिलता हूँ तुमसे। बाहर खड़ा है और कब से चिस रहा है, ओह माय गॉश, कलर टैन हो रहा है। अच्छा ग्लोव, ओए होए लड़का भाई, हमारा ये वाला बॉय जो है वो फुल किट शीट में रहने का आती है और फुल किट शीट में रहता है यार। असु तुम्हें तो मूवीज में आना चाहिए। ये तो भाई तुमसे चल नहीं रहा, टॉम क्रूज के साथ चल यार, यहाँ जाना है ना, पहले नाश्ता करना है ना अपना। हाँ यहाँ से पहले नाश्ता, यहाँ से नहीं करेंगे ना, वहीं से करेंगे जहाँ से हम करते हैं। स्पेशल नान चना खाएंगे आज स्पेशल। तो कहाँ से करेगा भाई, इधर करीब कोई अच्छा है तो चल लो। ये पीछे तुमने एक दफा करवाया तो, अरे बहुत गंदा है वो यार, अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा। चने खाए नहीं है यहाँ वाले खाने वाले नहीं, चलो चल के नाश्ते वाली जगह पे मिलते हैं। हमको बिल्कुल जैमिंग का कहेंगे, लेकिन गाइस सबसे पहले मुझे ये बताओ सूरज को किस बात का गुस्सा चढ़ा है यार, इतनी गर्मी से जाने से ज्यादा राइट जाना ब्रो, राइट जाना। सूरज को हम पे किस बात का गुस्सा है भाई, इतनी गर्मी तेरा भाई बाहर निकला उसमें देख के चल रहा है। हाँ वाह वाह क्या बात है, इसके ऊपर मैं ऐसी तगड़ी मीम लगाऊंगी। जिन्नी तेरी कात उठे रहा, इंसान की कोई इज्जत नहीं, हर बंदा रोलता है। आगे देख, बच्चा ने थल्ले दे दी। अच्छा देख, मैं तुझे कह रहा हूँ देख, कौन सी मूवी थी, मेला फिल्म लगान, लगान लगान में भी मेला मिलता है। आमिर खान की जो फिल्म थी ना लगान, इसने मुझे तो आमिर खान से मुखातिब कर दिया है कि वो पट्टी बांध के फिरता है, उसमें उसका एक बड़ा प्यारा दोस्त होता है, उसका नाम होता है कचरा। ये देखो रुक तेरे को बता दे, कचरा नहीं होता वे, कचरा होता लगान में। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हेड में आप लोग लगान में कचरा होगा, यहाँ पे ये लाइव कचरा देखेगा। तो भाई ईद सेकंड डे और माशाल्लाह ये भाई सामने आ गया नंबर बछड़ा आया भाई, बछड़ा गाय आई माशाल्लाह। अच्छा भाई सीन, इसके पहले पियेंगे शेक, उसके बाद करेंगे नाश्ता और फिर आगे जाएंगे। भूख लग रही थी यार, हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हमने सोचा कि पहले नाश्ता करेंगे और फिर चलते हैं। गजन बनाना शेक है, मैंगो भी है। ऐसा कौन सा लिएगा, बनाना, एक बनाना कर दें एक मैंगो कर दें, ठीक है जल्दी बना दीजिएगा। असल में हुआ ये था कि मैं पहले कह चुका था, पहले वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसीलिए स्क्रिप्टेड दोबारा किया है। सर भाई फोन छोड़ दो फोन की जान, और पहले सेक छीक लो। अच्छा तो यार शेक वेक पीकर अभी हमने सोचा कि नाश्ता भी एक ही दफा कर ही लिया जाए, क्योंकि हम हैं लाहौरी और हम दिल खोल के खाते हैं, मतलब हमारा
स्टमक स्टमक जो है तंग नहीं, हमारा से मुराद मुझे हमारे वाली कैटेगरी में से बाहर रखो, मेरा स्टमक तंग करता है। आपको आपका स्टमक तंग करता है? मैदा तंग करता है? मैदा नहीं करता क्योंकि आप लाहौरी हैं। हाँ वेरी गुड, तो लाहौरी को उनका मैदा तंग नहीं करता। अच्छा तो भाई सीन ये है कि हैदर से हम लोग गोश्त हैदर से हम लोग गोश्त ले आए थे, अब हम शबी के पास आए हैं, अब हम शबी से गोश्त लेने हैं। आज हम लोगों ने गोश्त मांगना डे बनाया। तेरे पास कितना जमा हुआ है? 4 किलो। मेरे पास सारा हुआ ही, मेरे पास तो टोटल कोई 8-9 किलो गोश्त हो गया। अभी मैं जाऊंगा, अम्मी को मैंने कहा है, लेकिन मेरी अम्मा बड़ी बिजी हैं, आज गेस्ट वगैरह आ रहे हैं घर पे, जिसकी वजह से मैं अम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता हूँ। सो तो अभी जाऊंगा, असद मेरा भाई मेरे साथ बैठेगा और मैं बैठूंगा और हम दोनों मिलकर अभी गोश्त की सफाई शुरू। नहीं नहीं मैं अकेला अभी जाऊंगा, काम शाम शुरू करूंगा, गोश्त की सफाई स्टार्ट करेंगे, फटाफट मसाला लगाएंगे। हमें कच्चा पपीता कहीं से नहीं मिल रहा है, सो उसका कोई अल्टरनेट अम्मी से पूछूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा तो भाई सीन ये है कि बहुत सारा गोश्त जो है वो बना दिया है और अभी ये थोड़ा सा अगेन बन रहा है, बाकी बना के फ्रिज में रख दिया। बहुत सारा गोश्त है यार और हालत पतली हो गई है, टाइट हो गई है। मैं अभी सच बता रहा हूँ सिर्फ व्लॉग के लिए उठा, वरना तब से अम्मी के साथ मैं बनवा रहा हूँ ना आपके साथ तब से। हाँ जी हाँ, चलो शुक्र है। वैसे काम शाम कराता हूँ मैं आपके साथ। हाँ हाँ, तंग करता हूँ ज्यादा, तंग ठीक नहीं ना रहते इसलिए करवाते हो। पता नहीं मेरी अम्मा मेरे व्लॉग में मुझे अच्छा अच्छा शो करा रही है या वाकई अच्छा समझती है। वेल बहुत मजा आएगा आज, अभी बहुत सारा गोश्त है वो बना दिया है। अब यहाँ से बस तुम लोगों को मैं मिलूंगा, अब तैयार शैर होके चेंज करके फिर इंशाल्लाह जब निकलेंगे पार्टी जहाँ पर है वहाँ शफीक भाई की तरफ। बाकी क्या हुआ यार, फोफियां तंग करती हैं बच्चों का। और बहुत मजा आएगा आज, म्यूजिक भी होगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग रेसिपी निकाली है तुम्हारे भाई ने और बड़ी चुन के रेसिपी निकाली है, और जिसने भी रेसिपी बताई है थैंक यू सो मच टू दैट पर्सन, जिसने इंस्टेंट टिक्का के लिए बीफ को गला देने के लिए हमें मुझे ये रेसिपी बताई है। सब इसमें ऑयल डालेंगे हम लोग, फाइनली मोमेंट आ गया है कि अब हम सबसे पहले यार गोश्त डालेंगे और थोड़ा ऐसे ऐसे डालेंगे ताकि सारी चले। ये हम पहले एक काम करते हैं ना, जैसे बिरयानी की लेयर लगती है इस तरह से गोश्त की लेयर लगाएगा आपका भाई। पहले ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई और ये ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मसाला, मसाले के लिए चम्मच मुझे चाहिए, लेकिन अगर चम्मच नहीं है तो फिर हम इसको उठाएँगे और इसको ऐसे करके ले लेंगे। ओह माय गॉड, मेरा दिल चाह रहा है मैं कच्चा खाना बस। अच्छा जी, इसके बाद यार मैं इतना शेफ वाले अंदाज में क्यों बातें कर रहा हूँ, बस अब ये ऊपर से यूं दोबारा लेयर लगा दूंगा इसकी। अच्छा तो भाई सीन ये है कि सामान सारा रेडी है और हम भी रेडी हैं और ये सब लोग जो हैं तैयारियों के अंदर मशगूल हैं। दूर जाने से सबको मौत पड़ी हुई है गर्मी लाहौर में इस वक्त। आज कितना टेम्परेचर था? 46। ओ माय गॉड, टुरू लव। ओ माय गॉड, ये देखें ये देखें ये वाला, ये जसूमा देखा आपने कभी ये सब? खैर बहुत दूर जाना है। बाहर है वो, बाहर है जरा कवर जो कवर चाहिए। क्या कहा आपने? उर्दू में बोले, मेरी उर्दू ऑडियंस सांस बाहर है वो बाहर ही है तो जरा कवर जो कवर चाहिए। अच्छा जी चलो टब शब उठाते हैं, सामान उठाते हैं और रखते हैं अपनी राम प्यारी पे। ये हमने रख दिया जी टब और है हाँ जी मेरे ना इंजन ही बना। अल्लाह हाफिज गाइस, अल्लाह हाफिज। अच्छा तो भाई फाइनली स्पॉट पे आ चुके हैं यार। मैं जब व्लॉग ऑन करता हूँ ये सांड नुमा आदमी ये आज हमें बारबेक्यू खिलाएगा बना के। आता है तुझे बनाना? नहीं नहीं आता। मैं बैठा क्यों हूं? अच्छा इसका मतलब आता है। कहां बैठा हूं? अच्छा चलो जी, वो तो कबीर वाली छुरी ले यार। तू किसी ने तो छोड़ दे, अगर किसी को तो छोड़ा गया, हर बंदे को जुगत मारनी तेरी। मैं तेरी मीट
नीचे प्लास्केट है ये लो। बताएंगे कि इन्हें कैसा लगा है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी हो गया, लेकिन खाएंगे तो फिक्का तो फिक्का ही यार, फटाफट ला। इसको भूख लगी हुई है और इसको धुली भी है, धुली भी है। यू नो द पंजाबी बॉय ऑल द वे फ्रॉम लंडन। यार मैं नहीं लगा, पहले अपने चाचू चाहत फतेह अली खान की नकल उतार के दिखा। चल सुना देना यार, यार तू सीखे लानी है लेकिन जाना यार भाई, खाने के वक्त ही किसी की नहीं सुनता। चलो खान तो बात जो कहना ना, चलो सीखे लगाते हैं, उसके बाद आप लोगों से नीले छापरा जी नहीं लगे गपशप करते हैं। से मेरी बात सुनो, तेरी खातिर यूं सजन हूं मैं, चाहे हुजूर बना ना, मैं हूं आशिक ना मैं दीवाना, कह तो दो मुझसे प्यारा, तेरा मेरा है प्यार अच्छा। तो यार पार्टी शर्टी हो गई है और नींद बहुत टाइट आई हुई है, तबीयत इस वक्त जो है वो बिल्कुल डाउन हुई हुई है, और खा पी के पेट शेट फुल जो है ना इस वक्त। अभी मैं तुम्हें तोन दिखाऊं तो हंसोगे तुम लोग। वेल सीन इसके आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। आई होप कि तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अगेन यही कहूँगा कि दो चीज़ें इसमें मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए वो बताओ, जो इसमें से हटानी चाहिए वो बताओ। तुम लोगों की बहुत सारी सजेशंस की ज़रूरत है, जैसे जैसे आर्मी बनती जाएगी लोग जुड़ते जाएंगे, हम आगे चलते जाएंगे, कारमा बनता जाएगा तो मज़ा आता जाएगा, और जब मज़ा आता जाएगा तो मैं कंटेंट बनाता जाऊंगा, तुम लोग देखते जाओगे। वेल इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेब अहमद को दे दो आज के इस बेहतरीन से व्लॉग से इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग तुम लोगों ने एंड तक देखा है सो इट मीन्स कि तुम लोग मेरी वही वाली पब्लिक हो जो कि मुझे देखना चाहते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर किसी और व्लॉग में, और बहुत जल्द से मुराद अभी ईद तो गुजर गई है, सही है, तो अब ईद के बाद इंशाल्लाह देखो क्या होता है, कहाँ लेके जाती है ज़िंदगी, जहाँ लेकर जाएगी हम वहीं चल पड़ेंगे और वहीं से चीज़ें रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखाने लग जाएंगे। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।